वेलकम टू स्वादिष्ट किचन। आज मैं आपको दिखाने जा रही हूँ चीजी फ्रेंच फ्राइज। तो आइए जानते हैं उसकी रेसिपी। फ्रेंच फ्राइज बनाने के लिए मैंने 6 बड़े आलू लिए हैं, 2 कप दूध लिया है, 1 टेबलस्पून बटर, 1 टेबलस्पून मैदा, 1 क्यूब लिया है मैंने प्रोसेस चीज़ का, 1 टीस्पून लिया है टमाटो केचप, 2 टेबलस्पून मैंने मेयोनीज लिया है, 1 टेबलस्पून ब्लैक ऑलिव्स, नमक लिया है और ये मैंने थोड़ा सा पिसा हुआ नमक लिया है, एंड 1/2 टीस्पून ओरिगैनो। ये देखिए जो मैंने आलू लिए हैं ये नॉन स्टार्च है, ये अभी सीज़न में मिलते हैं और आप इसको पता लगा सकते हैं कि ये नॉन स्टार्च है कि नहीं। इसका जो छिलका होता है वो बहुत आसानी से निकल जाता है और बहुत पतला होता है। अदरवाइज जो स्टार्च वाले आलू होते हैं उसका छिलका बहुत मोटा होता है और उसमें स्टार्च ज़्यादा होता है। तो आप इसी टाइप के आलू फ्रेंच फ्राइज़ या चिप्स के लिए यूज़ कीजिए। ये देखिए आलू को मैंने धो लिया है, अब इसका छिलका हम निकाल लेंगे। अभी हम इसको कट कर लेंगे। कट करने के लिए सबसे पहले हम छोटा सा स्लाइस निकाल लेंगे नीचे से ताकि हमें एक बेस मिल जाए। फिर उसको बेस के सहारे हम रख के लगभग 1 सेंटीमीटर जितना हम इसको कट करेंगे। अब ये स्लाइसेस को हम ऐसे रख देंगे और उतना ही 1 सेंटीमीटर जितना हम कट करेंगे। ये देखिए हमने इस साइज के फिंगर्स काट लिए। ज्यादा मोटे मत रखिए वरना ये फिर बॉईल और फ्राई होने में टाइम लगेगा। तो इसको हम लगभग 1 सेंटीमीटर जितना ही सारे आलू को काट लेंगे। ये देखिए मैंने सारे आलू को काट लिया है और इसको फ्रेश वाटर में मैं धो लूँगी ताकि इसका जो भी स्टार्च है वो निकल जाए और आपका पानी थोड़ा सा धुंधला हो जाएगा। तो आप इसको एक बार फ्रेश वाटर में धो के निकाल दीजिए। ये देखिए मैंने पानी बॉईल करने के लिए रख दिया है, ये लगभग 4 से 5 कप पानी रखा है मैंने। अब मैं इसमें नमक डालूँगी, अराउंड 4 टेबलस्पून जितना मैं नमक डालूँगी। ऊपर से हम इसका काफ़ी कम नमक डालते हैं तो ध्यान रखिए कि अंदर इसमें नमक जाए अच्छे से। और फिर इसके बाद मैं इसमें फ्राइज डाल दूँगी। अब इसको हमें 5 से 7 मिनट तक बॉईल करना है। इसको हमें पूरा नहीं पकाना है, अराउंड 75-80% ही बॉईल करना है हमें। हाई फ्लेम पे इसको मैंने 5 से 7 मिनट के लिए रखा है। ये देखिए 5 से 7 मिनट हो चुके हैं और फ्रेंच फ्राइज हमारे बॉईल हो चुके हैं। आप इसे चेक कर सकते हैं। ये देखिए आप इसको ऐसे तोड़ेंगे तो ये ऐसे टूट जाएंगे, इसका मतलब ये बॉईल हो चुके हैं। और इसको हम ठंडे पानी में निकाल लेंगे। देखिए मैंने ठंडे पानी में इसको निकाल दिया है, अब इसको हम सुखा लेंगे। मैंने कॉटन का कपड़ा लिया है, इसके ऊपर मैं इसको स्प्रेड कर दूंगी। इसको फ्राई करने से पहले अच्छे से सुखाइएगा, चाहे तो आप इसको पंखे के नीचे भी रख सकते हैं थोड़ी देर। ये देखिए मैंने सारे स्प्रेड कर दिए हैं और इसको मैं हल्का सा पैट ड्राई कर लूंगी। इसे आराम से करिए, हमारे आलू टूटने नहीं चाहिए। और इसको 5 से 7 मिनट के लिए थोड़ा सूखने दीजिए अच्छे से ताकि इसका सारा पानी ख़त्म हो जाए। मैं इसको सुखाने के लिए रख दिया था और देखिए ये सूख चुके हैं। अब इसको हम फ्राई करेंगे। देखिए मैंने तेल गरम करने के लिए रखा है, इसको हमें मीडियम टू हाई फ्लेम पे फ्राई करना है। तेल को अच्छे से गरम होने दीजिए, चाहे तो आप चेक भी कर सकते हैं एक फ्रेंच फ्राई डाल के। अभी हम फ्रेंच फ्राइज को फ्राई कर लेंगे। इसको आपको ज़्यादा हिलाना नहीं है वरना ये टूट जाएंगे। इसको बीच बीच में थोड़ा सा हिलाते रहिए।
और इसको हमें गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। ये देखिए हमारे फ्रेंच फ्राइज गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। अब इसको हम इसमें निकाल लेंगे और सारा तेल इसका निकालने देंगे। अच्छे से तेल निकाल लीजिए और इसको एक बर्तन में निकाल लीजिए और इसमें हमें तुरंत पिसा हुआ जो नमक था वो डालना है। हल्का सा ही डालिएगा क्योंकि हमने बॉईल करते समय काफ़ी नमक डाला था। और इसको मिक्स कर दीजिए हल्के से। इसी तरह हम सारे फ्रेंच फ्राइज तल लेंगे और इसमें नमक डाल लेंगे। अभी हम चीज़ सॉस बनाएंगे। उसके लिए सबसे पहले हम नॉन स्टिक पैन में लेंगे बटर। बटर को अच्छे से गर्म होने देंगे। देखिए बटर मेल्ट हो गया है और थोड़ा सा गर्म भी हो गया है। इसमें हम डालेंगे मैदा। ये मैदे को हमें 1 से 2 मिनट के लिए सेकना है जब तक ये हल्का सा ब्राउन नहीं हो जाता। इसको कंटिन्यूस हिलाते रहिए और लम्ब्स नहीं बनने चाहिए इसके। ये देखिए मैदा हमारा ब्राउन हो चुका है। अब इसमें हम धीरे धीरे करके दूध डालेंगे। पहले हम थोड़ा सा डालेंगे, इसको मिला लेंगे। ये लम्ब्स नहीं बनने चाहिए। हम और दूध डालेंगे। अब दूध डालते रहिए और ये लम्ब्स को फोड़ते रहिए ताकि ये लम्ब्स नहीं बने। ये देखिए मैंने पूरा दूध हल्के हल्के से डाल के इसकी सारी गुठलियाँ निकाल ली है। अब इसके अंदर हम चीज़ को ग्रेट करके डालेंगे। ये देखिए हमने चीज़ इसके अंदर डाल दिया है और इसके अंदर हम टमाटो केचप डाल देंगे। और इसको अच्छे से मिक्स कर दीजिए जब तक ये चीज़ मेल्ट नहीं हो जाती। ये देखिए हमारी चीज़ सॉस रेडी है। इसके अंदर मैंने नमक नहीं डाला है क्योंकि चीज़ और केचप दोनों में नमक होता है। अगर आपको लगे तो आप टेस्ट करके अपने स्वाद अनुसार नमक डाल सकते हैं। इसको हम एक बोल में निकाल लेंगे। अभी हम फ्रेंच फ्राइज लेंगे एक प्लेट में। इसको अच्छे से स्प्रेड कर देंगे। उसके बाद हम इस पर चीज़ सॉस डालेंगे। चीज़ सॉस को मैंने कोन में लिया है और इसको हम फ्रेंच फ्राइज़ के ऊपर डाल देंगे। अभी हम मेयो डालेंगे। अभी हम इसके ऊपर थोड़ा सा ओरिगैनो डालेंगे। और ऑलिव्स डालेंगे। रेडी है हमारे चीजी फ्रेंच फ्राइज। चीज़ी फ्रेंच फ्राइज, इसे आप जरूर घर में ट्राई कीजिए और मुझे बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए स्वादिष्ट बाय सुजाता चैनल को प्लीज नीचे लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।